हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका ERO एग्जाम होने वाला है दोस्तों 11 फरवरी को, कि उसके लिए जो आपका 25-26 दिन का समय बचा हुआ है, कि उसमें क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए बचे हुए समय में, जिससे कि दोस्तों आपका जो प्री एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाए। जैसा कि दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको प्री एग्जाम निकालना है तो लगभग आपको 130 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो लेके चलना पड़ेगा, जिसमें 80+ आप सोचिए GS में और 50+ सोचिए आप हिंदी में, कि इतने नंबर जो आप क्वेश्चन जो आपके कम से कम सही होने चाहिए। अगर दोस्तों आपके 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो इस बात की यकीन मैं आपको दिलाता हूँ कि 100% दोस्तों आपका जो प्री एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही देखिए दोस्तों, जो आपका रणनीति होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। और देखिए दोस्तों, इसमें पता होगा टोटल मिला के आपकी 411 वैकेंसी हैं, और पूरी संभावना जब तक आपका प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा तो ये संख्या बढ़ करके आपकी 450 से लेकर के 500 के बीच में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर हम 411 के हिसाब से देखें तो इसके 15 गुना सॉरी इसके 15 गुना बच्चे जो हैं वो आपके मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। यानी कि संख्या लगभग बन जाती है आपकी 400 गुना 15, यानी कि लगभग 6000+ जो बच्चे हैं वो आपका मुख्य परीक्षा देंगे, ठीक है। और पता ही होगा जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी जुलाई के लास्ट में होने जा रही है। यानी मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास 166 दिन का समय मिल रहा है आपको प्री एग्जाम के बाद, जो कि दोस्तों मोर देन सफिशेंट है। इतना समय अब तक कभी नहीं मिला है जितना समय आपका इस बार मिल रहा है। मेनली आपको 3-3.5 महीने का समय दिया जाता था पिछली बार से, लेकिन इस बार आपको ज़्यादा समय दिया जा रहा है, ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। तो दोस्तों इस समय देखिए दोस्तों, जो आपका पूरा ध्यान है, मेन ध्यान जो आपका 25 दिनों में बचे हुए में, कि वो केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा कुछ भी आप चीज़ें नहीं करनी है, जैसे यूट्यूब पर रील देखते हो, मूवी देखते हो, तो दोस्तों ये सब काम आपको फिलहाल नहीं करना है। हाँ, 11 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाए तो एक हफ्ता पूरा यही काम करना है, मूवी देखना, रील देखना, ठीक है, शॉर्ट वीडियो देखना। उसके अलावा कोई और काम आपको आप पढ़ाई मत बिल्कुल मत करना एक हफ्ते। लेकिन ये जो 25 दिन बचे हुए हैं इसमें कोशिश करिए कम से कम, आपको अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो 10 घंटे जो आपको डेली पढ़ाई करनी चाहिए कम से कम, 10 आवर पर डे। आप कैसे करना चाहिए, क्या रणनीति होगी दोस्तों, उसको मैं बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले कि दोस्तों जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है आपके लिए टेस्ट सीरीज। यहां पर दोस्तों देखिए, जो बचा हुआ 25 दिन है, आप कोशिश करिए कि चाहे आपका GS हो चाहे आपका हिंदी हो, डेली आपको एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। यानी पता होगा GS में आपके 140 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 140 क्वेश्चन की अगर आप 25 टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो दोस्तों ये संख्या बन जाती है आपको 3500 क्वेश्चन आपकी संख्या बन जाती है टोटल मिला करके, ठीक है। और साथ में दोस्तों जो भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करो मार्केट से लाके, उसमें दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो उसमें दोस्तों जो टेस्ट सीरीज आपकी उसमें व्याख्या सहित क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व होने चाहिए, व्याख्या सहित। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करो उसमें व्याख्या दे रखी हो। अगर दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो 3500 क्वेश्चन अगर व्याख्या सहित आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपके 8000 से लेकर के 10000 जो क्वेश्चन है वो आपके पूरे सॉल्व हो जाएंगे लगभग। यानी कोई चीज़ अगर आप पढ़ाई करते समय कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी छूट गई होगी तो वो दोस्तों आपकी टेस्ट सीरीज से आपकी कवर अच्छे से कवर आपकी हो जाएगी। और साथ ही अगर हम बात करें आपका हिंदी के लिए, तो हिंदी में दोस्तों क्या करना है आपको, यानी 60 क्वेश्चन आपके हिंदी में आते हैं तो 25 टेस्ट अगर आप सॉल्व करोगे हिंदी के, तो दोस्तों यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, जैसे मान लो 4 ऑप्शन आपको दे रखें, जैसे आपसे एक पर्यायवाची पूछा है कि इसमें कौन है आपका कमल का पर्यायवाची है, वो आपने बता दिया, तो साथ में जो 3 ऑप्शन थे वो भी आपको पता होना चाहिए कि 3 ऑप्शन जो है किस किस के पर्यायवाची हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। विलोम शब्द ऐसे कि किस किस के विलोम शब्द हैं, तो ये इस तरह से आपको पढ़ना है। तो यानी 60 क्वेश्चन पर डे अगर सॉल्व करोगे तो ये संख्या दोस्तों बन जाएगी आपकी 1500 क्वेश्चन की, और साथ में आपको व्याख्या सहित करो तो लगभग 4-5 हज़ार क्वेश्चन जो वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। अब देख दोस्तों, अगर आपको मुझसे टेस्ट चाहिए फ्री में, तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। इस पर नाम दोस्तों मुझे आप मैसेज करिए कि UPSC RO टेस्ट सीरीज, तो दोस्तों मैं आपको 18-20 टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, सब कुछ टेस्ट जो होगी आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी, ठीक है। अगर लेने की इच्छा हो तो इस नंबर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों ये बात होगी आपकी टेस्ट सीरीज की, और दोस्तों टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सब एक ध्यान आपको देना है कि टेस्ट सीरीज देखिए, या तो आपको नोट्स हो PDF हो उससे सॉल्व करनी है, टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब से आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करनी है। उससे दोस्तों देखिए क्या नुकसान आपको होता है वो मैं आपको बता दूं, टेस्ट अगर आप यूट्यूब से सॉल्व करते हो कि वहाँ पर क्या होता है कि 1 घंटे की आपको वीडियो मिलेगी यूट्यूब पर, और उस वीडियो में आपको 1 घंटे की जो वीडियो आपको मिलेगी उस वीडियो में दोस्तों आपको 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व कर जाएंगे मात्र, ठीक है। और इतने टाइम में अगर दोस्तों आप खुद से सॉल्व करोगे तो 1 घंटे में 100-150 क्वेश्चन कम से कम आप आराम से सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ पर आपको टाइम बचत होगी। तो दोस्तों मेन जो टाइम करना, टाइम बचाना है आपको, और साथ में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है समय पर, ठीक है, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो GS और हिंदी की पूरी टेस्ट सीरीज है वो आपको कोशिश करनी है कि 2 घंटे के अंदर पूरी टेस्ट सीरीज आपको एक ही टेस्ट सीरीज आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा हम बात कर टेस्ट सीरीज के बाद, तो दूसरा सबसे मेन रोल आपका वो दोस्तों आपका है करंट अफेयर का,
क्योंकि मैं पहले ही आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो करंट अफेयर है वहाँ पर दोस्तों आपको 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन दोस्तों जो है आपके करंट अफेयर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर करंट में दोस्तों आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको कोशिश करनी है कि 1 मार्च 2023 से लेकर के लगभग 15 या 20 जनवरी 2024 तक का दोस्तों जो करंट अफेयर वो आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है। अब तैयार कहाँ से करना, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मार्केट में आपकी कम से कम आपको 2 मैगजीन मंथली पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अब दोस्तों इतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है कि मंथली मैगजीन लाओ, उसको पढ़ो और साथ में उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। अब ज़्यादा नोट्स आपको इस समय नहीं बनाने, क्योंकि इतना समय आपके पास बचा हुआ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने आपके लिए करंट अफेयर के नोट्स बनाकर तैयार किए हैं, जिसको दोस्तों बनाने में मुझे 30 से लेकर के 35 दिन का समय लगा है। अगर वो दोस्तों नोट्स लेना चाहते हो तो मैं बता चुका हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042 6542 9। इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद दोस्तों आपका पूरा करंट अफेयर जो दोस्तों 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक अभी मिल जाएगा, और जो बचेगा आपका 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का, वो दोस्तों मैं आपको 24 और 25 जनवरी को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए अलग से फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। और अगर चाहे मैं UPPCS की तैयारी करूँ एग्जाम की, तो उसके लिए भी आपको 20 फरवरी तक का जो करंट अफेयर वो आपको मिल जाएगा। केवल आपको 1 बार 100 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपको नोट्स को डेमो चाहिए तो इस नंबर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों दोस्तों देखिए साथ में बता दूँ, देखिए जो नोट्स मैंने बनाकर तैयार किए हैं आपके लिए, उसमें दोस्तों जितनी भी मार्केट में अच्छी मैगजीन आपकी आती है, क्रॉनिकल, घटनाचक्र, घटनासार, तो दर्पण आपकी हो गई, ठीक है, उन सभी से मिलाकर के नोट्स बनाकर तैयार किए गए। और साथ में आपका PIB की वेबसाइट से भी कुछ नोट्स बनाए, और साथ में आपका AIR न्यूज की वेबसाइट से भी, ठीक है। यानी दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है, अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कम से कम 14-15 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से आपको मिल जाएंगे। एक बार इसलिए बोल दोस्तों बोल रहा हूँ, एक बार भरोसा कर देखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। अगर लेने के इच्छुक हो इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। नहीं लेना चाहते हो तो जहाँ से आपकी इच्छा हो कोई मंथली 2 मैगजीन उठा लीजिए, उनसे आप पढ़िए, उसमें आप समझ में आ जाए कितना टाइम आपको बचेगा। अगर दोस्तों आप हमारे नोट्स को पढ़ोगे तो इतना मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आप 30 मिनट पढ़ो डेली तो कम से कम 2 से 3 बार जो पूरे एग्जाम से पहले आपको रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। और इसमें जो टोटल पेज है आपके वो 129 पेज हैं, जिसमें सारे करंट अफेयर, साथ में इसमें आपका जो UPA करंट अफेयर वो भी इसमें आपका कवर कराया गया, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं करंट के बाद दोस्तों जो मेन मुद्दा आपका तीसरा आता है दोस्तों, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट दोस्तों, वो आपका आता है UPGK, क्योंकि UPGK से दोस्तों 14-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, UPGK के कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, ये भी दोस्तों मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, UPGK के नोट्स साथ में आपको टेस्ट सीरीज। अगर लेना हो तो मुझे व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ भी दोस्तों कोशिश करिए कि हम 40-45 मिनट डेली आप पढ़ने की UPGK, तो 14-15 क्वेश्चन में आप कोशिश ये करनी है आपको, कम से कम 14 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में सही अच्छे से हो जाने चाहिए, ठीक है। ये बात आपकी UPGK की हो गई। और फिर दोस्तों जो आपको ध्यान देना है दोस्तों, वो देना है आपको रीजनिंग पर, क्योंकि रीजनिंग से दोस्तों आपके 14-15 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ तो कोशिश ये करनी है कि आपको 100% जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके सही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ये दोस्तों रीजनिंग जो नंबर होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो फ्री के नंबर आपके लिए होते हैं, तो ये भी आप 40-50 मिनट डेली पढ़ सकते हो रीजनिंग भी, उसमें आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों रीजनिंग के बाद अगर हम बात करें इसके बाद, तो दोस्तों देखिए एक हो गया आपका सामान्य हिंदी, जहाँ पर कि आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्य हिंदी में दोस्तों आपको डेली 2 घंटे के आसपास पढ़नी है। यहाँ पर दोस्तों कोशिश करें जितना मेहनत आप सामान्य हिंदी में कर लोगे, उतना ही कम मेहनत आपको GS में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 55 नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो हो सकता है आपको जो GS में आपको 75 में आपको काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 6 टॉपिक आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन 6 टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार अच्छे से आपको पढ़ना है। यानी जहाँ भी देखिए आपको दिक्कत आ रही है, कुछ वर्ड टफ लग रहे हैं या कुछ कन्फ्यूजन वर्ड हैं आपके, तो उनको लिख लिख के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको बार बार रिवाइज करिए। अगर अब भी आप 2 घंटे डेली पढ़ोगे हिंदी 6 टॉपिकों को, तो आराम से अभी भी इतनी तैयार कम से कम हिंदी आपकी हो जाएगी, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कि 50 क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हो। क्यों दोस्तों, हिंदी देखिए ऐसा पार्ट है आपको जो आपका RO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका प्री का एग्जाम हो, चाहे आपका मेंस का एग्जाम हो, ठीक है। और फिर दोस्तों आपका आता है इतिहास, क्योंकि इतिहास में भी आपके 18-20 जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 18 से 22 क्वेश्चन के आप मान सकते हो, ठीक है, इतने क्वेश्चन कम से कम आपके इतिहास में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है आपको आधुनिक भारत का इतिहास, अगर टाइम आपके पास मिले, ठीक है, तो आधुनिक के बाद पढ़ना फिर आपको प्राचीन इतिहास, और सबसे लास्ट में पढ़ना है आपको मध्यकालीन इतिहास। क्यों दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास जो सबसे ज़्यादा बोरिंग है आपका, लेकिन दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए सारे सब्जेक्ट के, तो अगर आप उन्हीं टॉपिक को तैयार कर लोगे तो भी दोस्तों आपका अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इतना काम करना है आपको इतिहास में। और दोस्तों इसके लिए साथ में जो घटना का पूर्वलोक है उसको भी आप साथ साथ पढ़ते रहिए इतिहास के लिए, और 1 घंटे कम से कम इतिहास डेली आपको पढ़ना लगभग। और फिर दोस्तों आपका भूगोल आता है, अगर दोस्तों इसमें हम भूगोल में अगर आपकी जनगणना भी शामिल कर दी जाए तो लगभग 24-25 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो आपकी जनगणना 4-5 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये भी आपके बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि बार बार 2011-13-14 से जब जनगणना लगातार पढ़ते ही आए हो, ठीक है,
अगर किसी और एग्जाम की तैयारी आपने पहले की है तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए भूगोल में क्या करना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, साथ में विश्व का भूगोल पढ़ना है, और साथ दोस्तों जितनी भी आपकी विश्व की नदियाँ हैं, जल संधियाँ हैं, ज्वालामुखी हैं, इनको आपको रटना है बार बार, या तो मैप के थ्रू पढ़िए, अगर मैप से आप नहीं पढ़ सकते हो तो इनको रट्टा मारिए जितना हो सके, ठीक है। सुबह शाम जब भी आपको सोते बैठते जो भी हो टाइम मिले उनको आप रट्टा मारिए अच्छे से, और साथ में जो आपकी जनजातियाँ हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपके 100% बनता है जनजाति से, चाहे आपकी भारत की पूछ सकता है, चाहे विश्व की पूछ सकता है। और कृषि वाली बात करें तो किसी को उत्पादन वाला जो वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम बनेगा, चाहे आपका भारत के संदर्भ में चाहे विश्व के संदर्भ में, कि कृषि के कौन सी फसल के या सब्जी के उत्पादन में कौन सा देश पहले पर है, भारत का स्थान क्या है, कौन सा राज्य पहले पर है, यूपी का स्थान क्या है, ठीक है। और फिर दोस्तों खनिज चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कम से कम बनेगा, कि खनिज से दोस्तों 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपको कोई केंद्र दे देगा, स्थान दे देगा, पूछेगा ये स्थान जो आपका चाहे भारत का हो चाहे विश्व का हो कि किस खनिज के लिए आपका फेमस है, एक तो आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो हम बात करें खनिज के बाद, फिर दोस्तों ये क्या हम उत्पादन पूछा जाता है, उत्पादन या भंडारण, भंडारण चाहो तो आप छोड़ सकते हो, उत्पादन पढ़ लीजिए कि किस खनिज के उत्पादन में कौन सा देश पहले पर है, भारत का स्थान क्या है, साथ ही कौन सा राज्य पहले पर है, और साथ में कौन यूपी का स्थान कौन सा है, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन आते हैं उद्योग से, तो उद्योग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यहाँ भी आपका केंद्र दे रखा होता है कि कौन सी या एक स्थान दे देगा कि स्थान किस उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। और साथ ही एक क्वेश्चन दोस्तों नदियों से 100% आपका आएगा, चाहे भारत की नदी हो चाहे विश्व की नदी हो, ठीक है। नदियाँ हो गई, झील हो गई, जलप्रपात, ये सब दोस्तों बहुत से परियोजना वगैरह, ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपकी पर्वत चोटी वगैरह आपकी आज क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जितनी श्रेणियाँ वगैरह हैं, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये सब दोस्तों भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। लघु हिमालय आपका, वृद्ध हिमालय हो गया, ठीक है। ये सब अच्छे से आपको तैयार करना है भूगोल में, ये भी आपको दोनों पढ़ना है। देखिए यहाँ पर छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें भारत और विश्व के भूगोल की, लगभग बराबर से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, यानी कभी आपका विश्व भूगोल ज़्यादा पूछ लेगा, कभी आपका भारत का भूगोल ज़्यादा पूछ लेता है, और जनगणना आपको पढ़नी पड़नी है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए और जो सब्जेक्ट आपको बचे हैं, जैसे कि आपका राज व्यवस्था बचा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था आपका हो गया, जनरल साइंस आपका हो गया, पर्यावरण आपका हो गया, तो उसे ये भी आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा एक आपका आता है स्टैटिक जीके, ठीक है, ये भी आपको तैयार करना है। देखिए स्टैटिक जीके जो आपका विविध वाला पार्ट है, ये दोस्तों पढ़ सकते हो, केवल आप जो लूसेंट जीके बुक आती है उससे आप पढ़ लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा। जैसे कौन सा आपका पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, अनुसंधान संस्थान हो गए, कौन सा अनुसंधान संस्थान कौन से उसमें है, और साथ में जो आपके प्राचीन यानी कि आधुनिक इतिहास की जो पुस्तक वगैरह है वो पूछ सकता है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। पर्यावरण दोस्तों क्या जितने देखिए आप अब तक आपके सम्मेलन वगैरह हुए वो आपको अच्छे से तैयार हो चाहिए, जितने सम्मेलन अब तक हुए हैं आपके, ठीक है, जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका हुआ था, रियो प्लस 5 जो हुआ था वो आपसे पूछ सकता है, सम्मेलन हो गया आपका, आंदोलन वगैरह हो गए जो भी पर्यावरण समय जो भी आपके आंदोलन हुए, किसने किसका नेतृत्व किया था, आपका महत्वपूर्ण दिवस वगैरह कि कौन सा पर्यावरण समय जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी इस बार, ठीक है। और जो आपका प्रदूषण आपका होगा चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, प्रदूषण आपका के मतलब कौन सा, जैसे अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ठीक है, वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है, ये आपका हो गया। और दोस्तों हम बात करें जीएस में, तो यहाँ पर दोस्तों जनरल साइंस में, तो यहाँ पर दोस्तों पहले से पढ़ना है आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ना है आपको अच्छे से, और चाहो तो आप जो आपका भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान उसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन 2-3 टॉपिक पढ़ लेना टाइम मिले तो, जैसे रसायन विज्ञान, रासायनिक नाम हो गए, सूत्र वगैरह हो गए, ठीक है, धातु के बारे में उनकी विशेषता पूछ सकता है, और जैसे उसमें बहुत विज्ञान में आपका मातक वगैरह पूछ सकता है, ठीक है, किसका मातक क्या है, आविष्कार एवं किसने, जैसे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से अच्छे से करना है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें आपका राज व्यवस्था की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भी आपके आर्टिकल है इंपोर्टेंट वो पढ़ने हैं, आपके संविधान संशोधन अधिनियम वो पढ़ने हैं आपको, 106वां अच्छे से पढ़ लेना, यानी कि 101 से लेकर 106 तक अच्छे से पढ़ लेना। और उसके अलावा देखिए जो इंपोर्टेंट है आपका, जैसे ठीक है, जो भी जो दोस्तों आपके 42वां 44वां जो भी आपको इंपोर्टेंट है वो आपको अच्छे से तैयार करें, यानी टोटल मिलाकर 15-20 जो आपके संविधान संशोधन अधिनियम है वो आपको तैयार करने अच्छे से, ठीक है। और अनुसूचियाँ वगैरह आपकी हो गई, ये आपको पढ़ना अच्छे से यहाँ से भी, क्योंकि लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुसूचियाँ वगैरह आपके, संविधान के स्रोत कि कौन सी चीज़ किस से संविधान से ली गई है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कि इनको कौन सा पद लाता है, किसको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, कैग के बारे में, कैग कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, कितने सदस्य में होते हैं आपका वित्त आयोग हो गया, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग दोस्तों अच्छे से पढ़ लेंगे, चुनाव आपका अगली बार इस वर्ष होने वाला है 2024 में, तो चुनाव आयोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और साथ में देखिए इस समय आपकी 6 राष्ट्रीय पार्टी पढ़ लेना, कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियाँ है पार्टियाँ, और साथ में कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी जो दर्जा है वो आपका छीन लिया गया है हाल फिलहाल में, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए अच्छे से। और दोस्तों बात करें अर्थव्यवस्था में, दोस्तों यहाँ पर एक तो पढ़नी है आपको जितनी भी आपकी केंद्र सरकार योजना वगैरह हैं, तो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, और साथ में पंचवर्षीय योजना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल कब से कब तक था,
और कौन सी पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित थी और किस पंचवर्ष योजना में क्या काम हुआ, क्या उसका उद्देश्य था, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपका मुद्रास्फीति वगैरह आपका हो गया, गरीबी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और साथ में जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह आए जैसे आसियान है, ब्रिक्स है, कि उसमें कितने देश टोटल कितने देश हैं, और जो सबसे लेटेस्ट देश जो शामिल हुआ कौन सा हुआ है, और साथ ही वर्तमान किसी संगठन का कोई आपका हेड बना है नया तो उसके बारे में पढ़ सकते हो, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन उसका हेड बनाया गया है। तो ये सब दोस्तों पॉइंट यहाँ पर अच्छे से आपको तैयार कर लेने हैं। और दोस्तों देखिए इसके अलावा कोई अगर आपका सवाल हो तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।